girls. आराम से यार। गर्ल्स इतनी खुश है तो सरोजनी नगर ही जा रही होंगी ना धूप में। अगर कुछ काम बोल दो तो कहेंगी गर्मी धूप है ये है, लेकिन शॉपिंग के लिए सब तैयार है ना। अरे मेरे शॉपिंग के लिए नो गर्मी फॉर गर्ल्स। यस, और आज सबसे छोटी गर्ल भी है हमारे साथ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। अनंता ने मुझे इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बताया, मैं इसे सरोजनी बताऊंगी क्या है। ये सरोजनी सरोजनी इतनी गर्मी में इतनी तड़पती भड़पती गर्मी। अनंत्या अच्छा नहीं लग रहा देखो। एक लो बढ़िया लो ब्रांडेड लो नहीं वाइट यार, कभी कभी पहनने के लिए अच्छा लगता है। सोर्स से देख लो मैडम, स्कर्ट वहाँ से देखो ये बढ़िया तो अनंता को लग गई सुबह तो मैं तू तो दिल लेगी मुझे पता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। फिर बबली का मतलब ब्लॉग ले रही थी है ना, और शॉपिंग भी कर रही थी ये कर रही थी। फिर अनंत्या और रिचा बुआ को तो फोन कवर ले लेने निकालना भैया खड़े होके, और रिचा मूवी बना रही थी। ये लो एक ले ले। हाँ पूछ क्या किया। अच्छा दी वर्क फ्रॉम सरोजनी कर रही है, शी इज स्टिल बिजी। और निशा दी इस शॉप को ढूंढते ढूंढते आई है, ऐसी है। अच्छा करवा भैया, यहाँ पे बहुत सी टी शर्ट्स, ये भी मुझे कलर सारे ही पसंद आ रहे हैं यहाँ पे, सारे प्लेन टी शर्ट्स और हैंड प्रिंट। और इस टी शर्ट की शॉप को ढूंढते ढूंढते आप घर से आए हो है ना, क्योंकि यहाँ पर अब क्या दिया, साइज क्या दिया? लार्ज है, हाँ। एक एक्सेल है, एक मीडियम है, हाँ। बिना डिस्काउंट डिस्काउंट है ही नहीं मैम, डिस्काउंट मिलने वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने ये पहना है, मेरे को ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, ले ले फिर। तो क्या बता रहा है, होना तो चाहिए ना। मम्मा मैं कितने ले सकती हूँ? टू ले ले बस। ये इसमें ब्लैक और वाइट तीनों सेम ही शेप। नहीं नहीं नहीं, ये ब्लैक इसमें का सेम शेप और वाइट। हाँ भैया इसमें ब्लैक दे दो, नया देना भैया मुझे। तो मैंने अनंत्या के लिए ये ड्रेस ली है एंड दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी। मैंने फाइंड की थी, मतलब ये सरोजनी ने भी इन्हें महंगा ड्रेस चाहिए। गर्मी में हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, हमारा शॉपिंग और हम लोग घर जाके करेंगे, घर जाके दिखाएंगे। बट अभी हम ठूसे जा रहे हैं क्योंकि हमें घर भी जाना है। मुझे घर जाना है। A few moments later, पब्ली ने मुझे बोला है कि हम सरोजनी से आ गए हैं और नीचे भंडारा भी दिखाना है आप लोगों को। और गर्मी जो है ना वो क्या है, अपनी चरण सीमा में है यहाँ पे। तू क्या बोल रही है, चरण सीमा लांग दी है। चुप हो जा, सातवीं फेर लांग दी है। लेकिन और ऐसे गर्मी के थप्पड़ जो लग रहे हैं ना चेहरे पे, आ क्या आनंद आ रहा है, आनंद को आनंद आ रहा है। हाँ, और इच्छा की तो शॉपिंग हो गई है आज। मेरी शॉपिंग, लेकिन इस गर्मी में ना आपकी जो एक सुपुत्री है वो पुण्य कमा रही है, कमा रही है, वो दिखाते हैं। अभी दिखाती हूँ। लाइन में लग के आओ, अभी तो गई थी। लाइन में लग के आओ पहले तो आप, पीछे से मैम लाइन पीछे से है। भंडारा जब मैं करा रही थी ना तो जब ये सब टी शर्ट पे लग रहा होगा, ऐसे जब दे रही थी ना
तो ये आर्म्स में दर्द हो रहा था। एक्चुअल वर्कआउट हुआ है। जब सब्जी ऊपर आई ना तब इजी था ऐसे। जस्ट लाइक दिस। तो एक्सरसाइज हो गई आपकी। भंडारे की बात तो हम बहुत थक गए थे, इसलिए मैं आपको, मैंने बोला था कि मैं हॉल दिखाऊंगी। तो अब सरोजनी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे सरोजनी में शॉपिंग करके बड़ा मजा आया। और ये टी शर्ट्स जो जनरली मैं H&M से 1400-1200 की खरीदती हूँ, वहां पे मुझे मात्र 250 रुपए की ये मिली। और इसे देख के मैं और अनंतिया तो बहुत खुश हो गए। तो अनंतिया को ऐसे ओवरसाइज टी शर्ट्स बहुत पसंद है, ये खरीदा। फिर हमने ये नाइट सूट खरीदा है, अनंतिया की मोस्टली शॉपिंग हुई है, जो कि हमें 300 रुपए का मिल गया। और फिर ये मैंने मैचिंग टी शर्ट्स खरीदी हैं, जो कि बहुत प्लेन बेसिक टी शर्ट्स हैं। इसमें चाहे तो आप अपने बच्चों से DIY क्राफ्ट भी करा सकते हैं, पेंटिंग करा के। जैसे कि मैंने ये प्लेन वाइट टी शर्ट्स खरीदी हैं, जिसमें कि मैं, अब बच्चे गर्मियों की छुट्टी में है या अनंतिया है, तो मैं उसे DIY कराऊंगी, सॉरी। और ये मैंने एक श्रग खरीदा है, क्योंकि आप जब पतले स्ट्रिंग टॉप पहनते हो और कहीं ऐसी जगह जाते हो कि जहां आपको वो स्ट्रिंग ना हो, तो आप ऐसा क्रॉप, ये क्या कहते हैं, इसे श्रग पहन सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये एक और टॉप खरीदा है जो आजकल बड़े ट्रेंड में है। कुछ ड्रेस और खरीदी थी जो अनंतिया ने पहन ली है, वो मैं दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर मदमे ड्रेस थी, तो उसके लिए उसके रूम में चलते हैं। सरोजनी नगर और भंडारे में जब आप शॉपिंग कर लेते हो, उसके बाद चैन की नींद सोते हो, तो वो चैन की नींद हमारी अनंतिया सो रही है। सही पकड़े हैं। और हमने ये एक बड़ी सुंदर सी ड्रेस खरीदी थी, जो कि आजकल ये कॉर्सेट टाइप का, क्रोशे टाइप का काम है, और नीचे कॉटन की ड्रेस है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। अनंतिया ने ये पहनी भी थी कल लिटिल मर्मेड के प्रीमियर में। तो ये एक ड्रेस मैंने और ली है। बाकी मैंने एक्सेसरीज भी ली हैं, जो कि अनंतिया ने कहीं रख दी हैं। अगर वो मुझे मिलती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। 5 उसने चेन ली है, जो 100 की 5 मिली थी। और इसके बाद हमने 3-4 जोड़ी ये सनग्लासेस भी खरीदे, बहुत ही ट्रेंड वाले, जो कि 100 रुपए के मिल रहे थे, 100 या 150 रुपए के। बट जनरली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ये लोकल सनग्लासेस पहनने के लिए, लेकिन शूट के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर आपको फोटोग्राफ खिंचानी है, बस फोटोग्राफ के लिए चाहिए, तो आप इस तरीके के सनग्लासेस सरोजनी से ले सकते हैं। और हाँ, ये एक हमने जो कैरेक्टर्स अनंतिया के शूट में दादी नानी टीचर्स को चाहिए होता है, तो वो हमने लिया है। मुझे दिखेगा नहीं, मेरी पावर काफ़ी है, तो ये एक चश्मा हमने लिया है। बाकी ऐसे से हमने वेट वाइप्स लिए हैं यहाँ पे, जो कि 50-50 रुपीस के मिल रहे थे। तो ये सारी शॉपिंग की है, और इतनी शॉपिंग मैंने की है, लेकिन मेरे 3000-4000 रुपये ही खर्च हुए। बेस्ट पार्ट ये थी, इलेक्ट्रिसिटी बचा लूँ मैं पहले, और सबसे बेस्ट पार्ट यही थी। और कैसा लगा ये सरोजनी का ब्लॉग? कोशिश की कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए जितना बना पाए। और अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स चाहिए इन समर वेकेशंस में, खासकर क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।